हेलो स्टूडेंट, टीएस छठी एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के क्लास 10 के मैथ के त्रिकोण नीति चल रहा है, उसमें से चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, यानी सिद्ध करने वाला, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका है, कुछ टाइप का क्वेश्चन और बाकी है जो आज लगभग लगभग समाप्त हो जाएगा। देखिए अगला टाइप क्या है, हम लोग को देखते हैं सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। सिद्ध करने में है अगला टाइप हम लोग को अंडर रूट वन प्लस साइन थीटा बटे वन माइनस साइन थीटा प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा बटे वन प्लस साइन थीटा बराबर सिद्ध करना है टू सेक थीटा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम आप लोग को बता चुके हैं, उसमें अंतर क्या था। तो इस अंडर रूट वाला क्वेश्चन जो था उस एक ही टर्म था, और यहाँ पर क्या है दो टर्म है, उसमें एक ही टर्म था यहाँ पर दो टर्म है। तो अंडर रूट वाला में क्या किए थे हम, हर पद में किए थे। तो यहाँ पर दो वो हैं तो दोनों में हर परमेय कर देंगे, दोनों क्या कर देना है, दोनों में हर परमेय करके हल कर देंगे, हमको आ जाएगा आरएचएस। एलएचएस से चलेंगे, एलएचएस अंडर रूट वन प्लस साइन थीटा बटे वन माइनस साइन थीटा और प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा और बटे वन प्लस साइन थीटा। क्या करना है, दोनों में हर पर में, दोनों में हर पर में कर देंगे रूट के अंदर। क्या है वन प्लस साइन थीटा अब बटे वन माइनस साइन थीटा, हर पर में क्या करते हैं, हर के चिन्ह को चेंज करके ऊपर नीचे गुना में, हर का माइनस है तो प्लस, वन प्लस साइन थीटा अब बटे वन प्लस साइन थीटा, ये फिर प्लस है तो प्लस रहेगा, अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा अब बटे वन प्लस साइन थीटा, फिर हर क्या है प्लस, तो फिर चिन्ह चेंज करना है माइनस से, वन माइनस साइन थीटा अब बटे वन माइनस साइन थीटा, गुना भाग, हर पर में करने पर कोई अंतर होता नहीं। अब देखिए आगे क्या करना है, वन प्लस साइन क्या हो जाएगा, अंडर रूट रहेगा, वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे देखिए वन माइनस साइन वन प्लस साइन, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी का, पहले से बता चुके हैं हम लोग। इधर भी सेम वही करना है, वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और बटा में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ भी वन का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे चलिए देखिए, यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ते हैं, वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अब बटा में हो जाएगा एक का स्क्वायर एक साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, फिर से हम यहाँ पर देखें वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन, यहाँ देखिए प्लस होगा प्लस है प्लस, अब बटे में हो जाएगा एक का स्क्वायर एक और वन माइनस साइन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बचेगा क्या, यहाँ बच जाएगा आपको वन प्लस साइन थीटा और बटा में कोस थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, फिर प्लस वन माइनस साइन थीटा अब बटे कोस थीटा। अभी दोनों का क्या करेंगे, तो अब तो एलसीएम ले लेंगे, कोस कोस का एलसीएम कोस होगा, कहीं कुछ गुना नहीं होगा, यहाँ वन प्लस साइन थीटा फिर प्लस यहाँ वन माइनस साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, ये प्लस ये माइनस, बचा क्या टू ऊपर टू नीचे कोस थीटा, वन प्लस वन टू, या इसको लिख सकते हैं टू गुने वन बटे कोस थीटा, इतना दे सकता है आपको सिद्ध करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है टू सेक थीटा, तो वन बटे कोस बराबर सेक, वन बटे कोस बराबर सेक टू रहेगा, टू सेक थीटा बराबर आर एच एस। तो हम बता चुके थे आपको एक रूट वाला दो रूट रहे तो भी वही करना है, दो रूट है तो दोनों में हर पर में कर देंगे, बाकी इसको हल करके। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है आपको परीक्षा में,
ज़्यादा एक रूट वाला आता है, दो रूट वाला आपको जल्दी नहीं आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन वन रूट वाला भी आता है, लेकिन हम लोग को दोनों पढ़ना है, दोनों बनाना है। ऐसा नहीं कि एक ही आता है तो एक ही पढ़ेंगे, एक ही बनाएंगे। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन बचा हुआ है आपके बुक में, टोटल आप बनाइए। दो टाइप का क्वेश्चन और है जो हम आगे बता रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। साइन थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा, फिर प्लस साइन थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा। देखिए यहाँ प्लस नहीं माइनस होगा, एक प्लस और एक माइनस, बराबर टू कोसेक थीटा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी हम आप लोग को बता चुके हैं, लेकिन अंतर क्या है, तो यहाँ जो साइन और साइन है इसके जगह पर वन वन होगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी जो जिस प्रकार से उसको बताया है उसी प्रकार से ये भी बनेगा, थोड़ा सा इसमें अंतर होगा। चलिए देखिए कैसे बनेगा LHS। साइन थीटा बटे वन प्लस कॉस थीटा, फिर प्लस साइन थीटा अब बटे वन माइनस कॉस थीटा। करना क्या है, कुछ नहीं, जो उसमें किए थे हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम। अगर यही क्वेश्चन अंडर रूट में रहेगा तो फिर वही हर पद में करना होगा, और अगर अंडर रूट में नहीं है तो डायरेक्ट इसको एलसीएम लेंगे। दोनों अलग अलग चिन्ह है तो वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब प्रोसेस वही, वन प्लस कॉस कटेगा, बचेगा क्या, वन माइनस साइन है, वन माइनस कॉस है, यहाँ क्या है पहले से साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस है तो प्लस, ठीक है, प्लस है तो प्लस, फिर साइन है तो साइन थीटा इंटू वन माइनस कॉस कैंसिल, बचेगा क्या वन प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ से दो कम, या तो इस साइन को इन दोनों में और इस साइन को इन दोनों में गुना कर दीजिए, और नहीं तो फिर साइन यहाँ भी दोनों से साइन कॉमन ले लीजिए, कॉमन वाला ज़्यादा ही दीजिए, ऐसे गुना करना होगा, फिर उसको कटिंग करना होगा, और कॉमन में बहुत ही आसान, साइन और साइन दोनों जगह साइन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा वन माइनस कॉस थीटा, यहाँ प्लस है तो प्लस, अगर माइनस रहता तो यहाँ पर एक और ब्रैकेट लेकर चलते हैं, क्यों, तो माइनस से इसमें गुना होता, तो जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस, चिन्ह चेंज हो जाता, और अगर प्लस है तो सेम रह जाएगा, कोई अंतर नहीं है, इसलिए वन प्लस कॉस थीटा। नीचे देखिए वन प्लस कॉस वन माइनस कॉस, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, गुना करने के बाद भी कटता आपको, बचा क्या, तो साइन थीटा वन प्लस वन टू, साइन थीटा गुने टू, अब बटा में वन का स्क्वायर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे देखिए टू, ऐसा नहीं कि टू गुना लिखें तो थीटा के साथ है, ये सबसे आगे आएगा, टू साइन थीटा अब बटा में वन माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन से एक साइन कैंसिल, बचा क्या टू इंटू वन बटे साइन थीटा। तो देखिए ये भी आपको सिद्ध करने के लिए दे सकता है, इसके जगह पर ये भी आपको दे सकता है, तो यहीं तक लाएंगे, अगर ये रहेगा तो वन बटे साइन बराबर कोसेक, आ गया टू रहेगा इंटू कोसेक थीटा, यही आपको सिद्ध करना था RHS। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आता है, लगभग लगभग टोटल क्वेश्चन आप लोग को हो गया। एक टाइप का और बचा हुआ है जो कि आपको सरल करने के लिए रहेगा, त्रिकोणमिति में यहाँ सिद्ध करने वाला था, अब क्या रहेगा तो सरल करें, यानी उसको सरलतम रूप में लिखें, या उसी को कहा जाता है निम्न सर्व समीकाओं को हल करें। तो वो क्वेश्चन आता नहीं है परीक्षा में, लेकिन फिर भी आपको बुक में दिया हुआ है, तो ये वो क्वेश्चन हम उस टाइप का बता देंगे, बाकी उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप हल कर सकते हैं, अगर आपको फार्मूला याद है तो इसलिए इस चैप्टर के लिए फार्मूला हम पहले से ही बता रहे हैं शुरू से ही कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है फार्मूला। फार्मूला वाला वीडियो पीछे जा करके YouTube चैनल में TH30 एजुकेशन में पीछे जा करके फार्मूला वाला वीडियो देखिए, उसमें सब है, उसको नोट करके कॉपी में याद कीजिए,
अब देखिए अगला लास्ट जो रहेगा इस चैप्टर का वो अब देखिए बताते हैं। देखिए अगला क्या है, निम्न सर्व समीकरणों को हल करें या निम्न को सरलतम रूप में लिखें। ये दो तरह से क्वेश्चन रहेगा, निम्न सर्व समीकरणों को हल करें या फिर सरलतम रूप में लिखें, तो दोनों एक ही है। उसका मतलब हल करें का मतलब हल करके छोटा से छोटा रूप, सरलतम मतलब छोटा से छोटा रूप में लिखें, यही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यानी इसको सिद्ध करना नहीं है, LHS RHS नहीं है, जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को हल करना है। जितना छोटा से छोटा इतना बड़ा है, इसको छोटा से छोटा रूप में लाना है। यहाँ देखिए जो फार्मूला मिलेगा, फार्मूला लगाते जाएंगे, हल करते करते लास्ट जो मिलेगा वही आपका आंसर रहेगा। दिया हुआ क्या है, 1 cos A (1 cos A) (1 cot²A). ठीक है, अब देखिए फार्मूला क्या क्या मिलता है, तो 1 cos (1 cos) ये दोनों इंटू में, तो इसका फार्मूला हम लोग यही लगाएंगे, a+b (a-b) का a²-b², क्या होगा 1 cos²-b के जगह पर cos² है। ऐसा देखें तो 1 cot², 1 cot² बराबर कोई फार्मूला होता है, 1 cot² बराबर क्या होता है, तो cosec होता है, 1 cot² बराबर cosec², तो इंटू में है तो इंटू इसका हो जाएगा डायरेक्ट cosec² a। अब यहाँ देखें फिर 1 cos²(1 cos²) ठीक a, यहाँ इंटू में रहेगा cosec² a। 1 cos² बराबर फार्मूला sin² a इंटू cosec² a, sin² a (cosec² a) ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है, या इसको आप लिख सकते हैं sin² a इंटू cosec का उल्टा sin, तो sin² a/sin² a, तो sin² a से sin² ए कैंसिल, बचा क्या 1, यहाँ भी डायरेक्ट फार्मूला sin into cosec = 1 square, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी, तो 1 cos² बराबर क्या आएगा 1, यही आंसर हुआ। तो सरलतम रूप में इतना बड़ा क्वेश्चन था, इसको हल करके कितना ले आए 1। तो इसी टाइप का और क्वेश्चन है, इसमें सरलतम रूप में इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, बस सिर्फ आपको दिया हुआ है बुक में, इसलिए हम बता दिए हैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आता है। तो जितना भी क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं सिद्ध करने वाला, उसी में से ही आपको उसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, उससे बाहर आपको नहीं आएगा, जो भी आएगा उसी टाइप का आएगा। प्लस माइनस का अंतर हो सकता है, बनाने का प्रोसेस वही रहेगा, प्लस माइनस त्रिकोणमिति निष्पत्ति में अंतर हो सकता है, साइन के जगह पर कॉस, कॉस के जगह पर साइन, प्लस के जगह पर माइनस, माइनस के जगह पर प्लस, लेकिन बनाने का जो प्रोसेस है वही रहेगा, जितना टाइप का हम बताए हैं उसी टाइप में से किसी एक का आएगा। इस प्रकार से आपको चैप्टर नंबर 4 भी खत्म हुआ। अब आप लोग को हम लेकर चलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी में, ऊंचाई और दूरी से भी आपको एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए अगला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं ऊंचाई और दूरी का। देखिए नेक्स्ट वीडियो में आप ऊंचाई और दूरी पढ़ेंगे।